सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आपका अपना अमय मेहता। जैसा कि हम आपको बताते हैं, कल रात गंगानगर पुलिस द्वारा चेकिंग में एक गाड़ी में 167 पेटियां अंग्रेजी शराब की बरामद हुई है। जब उसके ड्राइवर से पूछा गया तो उसने बताया कि यह जो पेटियां हैं आपने रामनगर का जो ठेका है वहाँ से आवास विकास की ओर जा रही थी, और यह मामला पुलिस में संज्ञान। 116 और ये काफी मैजिक मोमेंट ये जी बोतल ये जी आपकी 1 2 3 6 2 8 2 10 50 बोतल और 10 20 30 हाफ मोरे जी 2 3 4 5 5 30 2 4 5 20 क्वार्टर 10 गुना 10 गुना 48 480 प्लस 480 अब आया आपके पास अब आया रॉयल स्टैग बैरल हिस्की 11 बोतल है मेरे पास है 12 23 हो गई सर 23 हो गई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए आप। अरे क्या 26 सर कैमरा वाला फोन है हम आपकी बात करते हैं। SI डिप्टी कमिश्नर जी हमारे साथ हैं। सर ये कल जो छापेमारी में 167 पेटियां बरामद हुई है वो क्या पूरी क्या क्या थी पूरी कार्रवाई? अभी प्राथमिक तौर पर जो पुलिस द्वारा इन्फॉर्मेशन साझा की गई मौखिक तौर पर उसमें यही पाया गया है कि अभियुक्त ने आरोपी ने यही बताया कि वो इस ठेके से परवान करके ले गया। ये जांच का विषय है और इसके लिए हम मौके पर स्टॉक का सत्यापन कर रहे हैं और जो भी आगे कार्रवाई करनी होगी, जिनकी संलिप्तता होगी, जिनकी कार्रवाई के प्रति शिथिलता होगी, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर एक बात बताइए, जो ठेके से पेटी उठी है तो क्या उस पर बैच नंबर वगैरह होता है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो उससे मिलान नहीं कर रहे हैं? हाँ, ये पुलिस इसके जब हमसे वो बरामद की गई शराब की इंफॉर्मेशन साझा करेगी तो उसमें जो बैच नंबर वगैरह है उनके और दुकान के लिए आवंटित जो शराब जारी की गई उसके बैच नंबर उसे भी मिलान किया जाएगा, स्टॉक का भी सत्यापन किया जाएगा, ब्रांड कहाँ के बनी है, क्या शराब है, कहाँ जारी हुई, वो सारी चीज़ों को संज्ञान में लिया जाएगा और ये इसके जो है पूरी जाँच पड़ताल की जाएगी। कि तो सर अभी क्या अनुभागी द्वारा रजिस्टर दिखाया गया सत्यापन का? क्या मौके पर जो अनज्ञापी के सेल्समैन आए हुए हैं जिन्होंने अपना चाबी लेके प्रस्तुत हुए मिस्टर मनीष कुमार, उनके द्वारा जो इस तरह की कोई पंजीका स्टॉक पंजीका नहीं प्रस्तुत की गई है। हमारे द्वारा ब्रांडवार स्टॉक लिया जा रहा है, उनको कंप्लीट स्टॉक लेने के पश्चात हम बैच नंबर आज का मिलान करेंगे और अगर जब भी हमें पंजीका उपलब्ध होगी उसे सत्यापन करेंगे। पंजीका उपलब्ध ना होना भी एक तरह से एक संदेह की स्थिति पैदा होती है और लॉकडाउन तोड़ा गया, नियमों का उल्लंघन किया गया है, जिलाधिकारी महोदय के भी आदेशों की उल्लंघना की गई है, इसमें COVID-19 में महामारी की स्थिति में इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं वो
नियमों के विरुद्ध हैं, उसमें जो है जो भी आबकारी अधिनियम और अन्य नियमों के तहत कार्रवाई की जानी होगी, हमारे द्वारा की जाएगी। हम इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय और आयुक्त महोदय को विस्तृत रिपोर्ट सौंपे। सर, आपके द्वारा लगता है कि लॉकडाउन के अंदर इतने बड़ी मात्रा में पुलिस द्वारा शराब पकड़ी गई, कहीं ना कहीं आपके रुड़की के आबकारी विभाग वाला तो लापरवाही साबित हो रही है? हाँ, कहीं ना कहीं ये कार्य के ऊपर सफलता है कि बीजेपी शहर में जो है ये ठेका स्थित है और यहाँ से इस तरह का परिवहन किया गया। हालांकि अभी जांच का विषय है, लेकिन प्राथमिक तौर पे तो यही पाया गया कि कहीं ना कहीं जो है इनके द्वारा सफलता बरती गई है। सर, पुलिस द्वारा जो युवक पकड़ा गया है उसने बताया कि कोई जोगेंद्र नाम के व्यक्ति है, उनसे उन्होंने उन्हीं के द्वारा ये कार्य करवाया जा रहा था, तो क्या वो इस ठेके के अनुपयोगी थे या क्या थे सर वो? नहीं, ठेके के अनुयापी तो जसपाल जी हैं जी, और ये तो जांच का विषय है पुलिस के में कौन कौन से उस कार्य में लिप्त थे और उनका क्या क्या रोल था। वो संभव है कि वो अनुयापी के प्रतिनिधि हों या कंपनी से रिलेटेड लोग हों, वो एक जांच का विषय। पुलिस तो जिसको भी लिंक करके पाएगी कि अवैध का तस्करी में जो लिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हमारा तो मुख्य फोकस इस बात का है कि हमारी सरकारी दुकान के परिसर से उस शराब का परिवहन हुआ है, तस्करी हुई है या नहीं, आएंगे उस पर जो है कार्रवाई के लिए।